आप देखना महाभारत सुना है, महाभारत सुना है ना, द्रौपदी का सब इंद्र सभा में सबके बीच में द्रौपदी का वस्त्र धारण किया, परिवार का कोई भी उठा, भीष्म पितामह बैठे थे, पांचों पांडव भी बैठे हैं, सबके बीच में द्रौपदी का वस्त्र धारण किया, कोई भी परिवार से उठ के मदद किया, द्रौपदी ने चिल्लाया भगवान को, भगवान आया द्रौपदी को मदद किया लेकिन दुशासन को रोका। लेकिन आप क्या कहते हो, इनको पहले ठीक करो, आप चुप नहीं रहते हो, इनको पहले चुप करो, यही कहते हो ना। तब भगवान आकर के उनको चुप नहीं किया, जिसने बुलाया उसको मदद किया। भगवान भी गलत कर्म करने वालों को भी रोकता नहीं है, क्योंकि गलत कर्म करके उनको चंडा दास दासी भी चाहिए ना, झाड़ू कौन लगाएगा, नहीं वो भी चाहिए, गलत कर्म करेंगे तो गलत ऐसे बनेंगे ना, सभी राजा बन जाए तो सिंहासन कितना बनाएंगे। तो आप कहेंगे ये गलत कर्म करता है, गुस्सा करता है, इसको ठीक करो, नहीं आप ठीक हो जाओ, आप चुप रहो, ये सीखना चाहिए। महाभारत पढ़ते हो तो देखो भगवान आने के बाद भी द्रौपदी को दुशासन को रोका नहीं, वो अपना काम करता रह गया, गुस्सा करने वाला करता रहेगा, आप चुप रहो। संभव है कि उसको पहले चुप करना चाहिए, आप तो ये कहते ना इनको पहले ठीक करो फिर हम ठीक हो जाएंगे, है ना, पहले स्वयं को चुप करना पड़ेगा ना कि उनको ठीक करना।